नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द वायर पे और मेरा नाम है इंद्रशेखर सिंह। दोस्तों, आज जो मंडल की जो राजनीति है उस डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक और स्पेशल एपिसोड निकाला है और इस स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विशेषज्ञ योगेंद्र यादव जी और वायर के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार एम के वेणु जी। तो आप दोनों जन का स्वागत है हम शो पे, और ये शो हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम समझ सकें कि आखिर में ये मंडल 2.0 है क्या, ये नई राजनीति जो उभर के आई है नीतीश कुमार जी के ऐलान से, ये क्या है। और इसको समझने के लिए मुझे लगता नहीं कि योगेंद्र यादव जी से कोई बेहतर व्यक्ति होगा, तो शुरुआत में उन्हीं से करूंगा। योगेंद्र यादव जी, आप ये जो जातिगत जनगणना है जिसे हम लोग कास्ट सेंसस भी कहते हैं, इसका क्या संबंध है मंडल 2.0 की पॉलिटिक्स से, या आरक्षण की जो राजनीति है इसका इन दोनों में क्या संबंध है, थोड़ा सा इस पे आप जरूर हमारे लिए टिप्पणी करें। इंशेखर भाई, ये जिसे मंडल 2.0 आप कह रहे हैं, वैसे हम 3 भी कह सकते थे, क्योंकि पहला मंडल तब हुआ जबकि 90 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया। दूसरा कहा जाता था जब अर्जुन सिंह के शिक्षा मंत्री रहते हुए सरकार ने, यूपीए की सरकार ने शिक्षा में, शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन लागू किया। आप उसको पहले दौर का हिस्सा भी समझ सकते हैं। और ये जो नया दौर शुरू हो रहा है, ये शुरू हुआ है कास्ट सेंसस की मांग से और बिहार में कास्ट सेंसस किए जाने से, क्योंकि एक मायने में मंडल पहले दौर की राजनीति एक ठहराव पे पहुंच चुकी थी, एक अंधे मोड़ पे पहुंच चुकी थी। इसलिए क्योंकि जो पुरानी मंडल की राजनीति थी वो एक तरह से तो जिन जातियों को संगठित करना था कर चुकी थी, दूसरा वो कभी भी एक व्यापक कोलिशन नहीं बना पाई। ओबीसी, तमाम ओबीसी को नहीं जोड़ पाई। ओबीसी के अंदर हमेशा ऊपरी और निचले का फर्क रहा, और जी ओबीसी और दलित या आदिवासी को जोड़ने का तो सवाल ही नहीं हो पाया उसके अंदर। ये राजनीति एक वैचारिक ठहराव का शिकार भी हुई, एक किस्म के जातिवाद का शिकार भी हुई। इसलिए उत्तर भारत में पिछले 10 साल से लग रहा था कि भैया अब तो मंडल की राजनीति का दौर समाप्त हो गया, अब तो मंदिर चलेगा, अब तो हिंदू मुस्लिम चलेगा। उसे एक नया प्राण दिया है सामाजिक न्याय की राजनीति को, जाति जनगणना की मांग। और इस बात ने कि कांग्रेस पार्टी ने पहली बार सक्रिय और आक्रामक होकर इस बात को उठाया है। देखिए, मंडल एक का जब जमाना था, कांग्रेस सहमति तो भली थी, भरी थी, लेकिन कांग्रेस एक तरह से उस बस से बाहर खड़ी थी, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, दे मिस द बस। और जब मंडल, ये जो अर्जुन सिंह का जमाना था, तो कांग्रेस ने किया, लेकिन कांग्रेस एक तरह से उस बस में सवारी की तरह बैठी हुई। पहली बार कांग्रेस अब सामाजिक न्याय की राजनीति में ड्राइवर की सीट पर बैठने का प्रयास कर रही है, और एक स्पीच में नहीं, दो स्पीच में नहीं, बार बार इस सवाल को उठा रहे हैं। और बिहार में जातिगत जनगणना होने होने भर से ये सवाल अब नेशनल एक तरह से मेन स्टेज पे आ गया है। और कारण ये है कि पहले कहा जाता था नहीं जी, ये तो हो ही नहीं सकती। अब सब कहते हैं कि अगर बिहार में हो सकती है तो भैया फिर पूरे देश में हो सकती है। कहते थे कि इससे क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा। पहली बार में ही पता लग गया बिहार में कि एक्चुअली लोगों के मन में जो धारणाएं थी, किस जाति की आबादी कितनी है, वो काफी गलत थी। इस सेंसस ने उन धारणा को दुरुस्त किया है, और इस सेंसस ने पहली बार अगड़े और पिछड़े की शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति के बारे में आंकड़े दिए, जिसके बारे में हिंदुस्तान का मीडिया एकदम चुप्पी मार के बैठा हुआ है, बात नहीं कर रहा है। लेकिन पहली बार हमें पता लगा है कि अगड़े समाज ने, और यही इसका महत्व है, क्योंकि ये केवल पिछड़ों का सर्वे नहीं था, ये पूरी आबादी का सर्वेक्षण था। तो पहली बार हमें जो इस देश का प्रिविलेज तबका है, जो अपर कास्ट है, उसका भी शैक्षणिक, आर्थिक और नौकरी में क्या स्थिति है पता लगी है। और अगर और उसने एक तरह से प्रशस्त किया है पूरे देश में इसके मार्ग को, कि अगर बिहार के सर्वे से इतना कुछ पता लगता है तो निश्चित ही पूरे देश में जरूरत है। यानी कि अगर जाति नामक बीमारी का इलाज करना है तो पहले उसका एक्सरे और एमआरआई करवाना पड़ेगा, और बिहार ने दिखा दिया है कि एक्सरे और एमआरआई हो सकता है और बहुत उपयोगी है। इसलिए अब जाहिर है राष्ट्रीय स्तर पे ये मांग उठेगी, और ये एक नई तरह की नीति को भी जन्म देगी, नई तरह की राजनीति को भी जन्म देगी। जी, तो यहाँ पे मैं एम के वेणु जी को लाना चाहता हूँ। वेणु जी, आपने तो कई कई सरकारें देखी हैं, आपने कई
चुनावी वादे देखे हैं और कई सुने, और कितने सारे उनमें से खरे उतरे कितने नहीं उतरे। अगर अब कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो एक समय ऐसा था कि कांग्रेस इस सामाजिक न्याय या आरक्षण की जो ये जो पहल थी इसको आगे से चल सकती थी। वो लोहिया लोहिया थे, तरह तरह के बड़े बड़े लीडर कांग्रेस पार्टी से निकले थे जिन्होंने भी ऐसी मांग करी कि हमें जो पिछड़ों को ज्यादा से ज्यादा हक मिलना चाहिए, राजनीति में हक मिलना चाहिए, लेकिन कई कई पार्टियों ने उनकी मांगों को अनदेखा किया। लेकिन अब आप किस प्रकार से देखते हैं, थोड़ा सा आप हमें पुराने दौर के बारे में बताइए, 90 के बारे में बताइए कि क्या वो धारणाएं थी। क्योंकि जो रिजर्वेशन की मांग थी बीपी सिंह सरकार में, अपने में तो बहुत ही बढ़िया मांग थी, लेकिन उसका एक राजनीतिक कुछ ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए बीपी सिंह या उस समय की जो सरकार, थोड़ा सा इसमें आप टिप्पणी करें। देखिए, मैं सबसे पहली बात तो जो योगेंद्र जी ने बात कही व्यापक कोलिशन, इस वाले जो दौर में मुझे थोड़ी सी मुझे आशा दिखती है कि इस बारी एक ब्रॉड व्यापक कोलिशन बन सकता है। इससे पहले अगर आप जाएं 1990 में, जैसे योगेंद्र जी ने कहा, वीपी सिंह मंडल रिपोर्ट तो था, और कांग्रेस हमेशा, जैसे योगेंद्र जी भी बोल रहे थे, कभी ठीक से बस में ड्राइवर सीट में नहीं बैठी, हमेशा आखिरी सीट में सवारी की तरह बैठी। एम्बिग्विटी उनके पोजीशन में हमेशा रहा है, कभी मंडल कमीशन रिपोर्ट को नकारा भी नहीं है, कभी हाँ इम्प्लीमेंट भी नहीं किया। उस पे धीरे धीरे अब उस पे वीपी सिंह ने पहला जो बड़ा कदम उठाया, वो भी एक राजनीतिक एक सिचुएशन पे उठाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वीपी सिंह ऑपरचुनिस्ट थे, उनका कमिटमेंट था उसमें, मगर जो टाइमिंग जो उनका था और जिस तरह उठाया गया, वो उसके बाद जो हुआ वो ठीक से उस पूरे राजनीति को, मंडल की राजनीति को ठीक से सोच के और एक तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाए लोगों को। यही वजह थी कि 1919 मंडल अनाउंस करने के बाद इतने सारे यूथ जो थे वो प्रोटेस्ट, इतना बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, आत्मदाह किया करीब 53 लोगों ने, और बीजेपी ने उसका फायदा उठाया। यूथ में जो बहुत अनरेस्ट था उसका फायदा उठाया, इसलिए आडवाणी जी ने 1.5 महीने के अंदर रथ यात्रा शुरू कर दिया। इसके बावजूद कि जब, जैसे मैंने पहले कहा, पालमपुर रेजोल्यूशन था बीजेपी का 89 में, उन्होंने साफ कहा था कि बीजेपी डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेगी राम टेम्पल मूवमेंट में, तो उन्होंने मंडल को के काउंटर को काउंटर करने के लिए राम टेम्पल बीजेपी कूद पड़ी, डायरेक्टली कूद पड़ी। पहले उनका जो रेजोल्यूशन था 1989 में कि बीएचपी अब और जो साधु समाज राम टेम्पल का मुहिम चलाएगी, मगर इस बार ही बीजेपी खुद। तो इससे इससे राजनीति में जो तनाव पैदा हुआ अगले जो 15 साल में, उससे लगा कि मंडल को कमंडल मंडल पे हावी हो गया है, और ये इस पे कई राजनीतिक विशेषज्ञों ने टिप्पणी करी है। मुझे हमेशा ये लगा कि ये मंडल क्वेश्चन अभी भी ओपन है। तो अब जो 2.0, जैसे योगेंद्र जी कह रहे थे कि अगर अभी कोई व्यापक कोलिशन बन सके, इसमें कांग्रेस का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि जैसे कांग्रेस अभी तक, योगेंद्र जी ने बोला कि बस में सवारी की तरह चल रही थी, अगर अब कांग्रेस इसमें अगर पूरी तरह एक कॉम्प्रिहेंसिव एक थॉट प्रोसेस और एक इम्प्लीमेंटेशन लॉजिस्टिक्स को लेकर जुट जाए, तो मुझे लगता है कि कुछ हो सकता है। तो मैं एक, योगेंद्र जी ने अपने एक लेख में एक बात कही है जो विच स्ट्रक मी, यू नो आई जस्ट वांट टू से दैट, व्हाइल टॉकिंग अबाउट राहुल गांधी फर्स्ट बिग अनाउंसमेंट, जो पहला उन्होंने कोलार में, जो कर्नाटक में अनाउंस बड़ा किया, ऐलान किया उन्होंने जी हाँ, और राहुल। उस कर्नाटक का भी बहुत बड़ा सिंबोलिज्म था। कर्नाटक में जो बैकवर्ड क्लास डोमिनेंस है और चीफ मिनिस्टर बैकवर्ड है, और उनकी पूरी राजनीति कर्नाटक की कांग्रेस के जो ओबीसी तबके के लीडर्स चला रहे हैं आज की तारीख में, वो कांग्रेस बोल भी रही है कि छत्तीसगढ़ में भी ओबीसी, ठीक है अभी ये सब टॉप डाउन है, मगर जब व्यापक कोलिशन की बात होती है तो उसमें पूरी तरह साइंटिफिक तरीके से किस तरह कांग्रेस और पार्टीज के साथ मिलकर काम करेगी इंडिया अलायंस में, वो देखना जरूरी है। क्योंकि जैसे योगेंद्र जी ने कहा कि सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स एक सिल्वर फॉइल की तरह है, और उसको आप किसी चीज, कोई भी किस्म के पॉलिटिक्स को अगर रैप करके अगर आप चलाओगे तो उसका वो असर नहीं होगा। इट हैज टू टेक रूट्स, इसकी जड़ें अगर पकड़े जी बरगद के पेड़ की तरह, तो कुछ हो सकता है। और तो शांतिपूर्वक एक साइंटिफिक तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, नहीं तो
आगे जाके ये भी हो सकता है कि हाईजैक कर ले, कोई कोई ओबीसी का तबका हाईजैक कर ले, बहुत अति पिछड़ों को शायद कुछ मिले ना, या जैसे दलितों और ओबीसी में टेंशन है इस देश में हमेशा रही है, जैसे अंबेडकर और राम मनोहर लोहिया जी भी इस इशू को डिस्कस करना चाहते थे और मिले भी एक दो बारी, इसके बारे में भी योगेंद्रनाथ ने लिखा है। तो ये सब चीजें जो अब उभर के दोबारा ये इन सब चीजों को दोबारा एड्रेस करना पड़ेगा, फिर से बड़े बड़े लीडरों के साथ बैठना पड़ेगा, दलित तबके के लीडर, ओबीसी, अति पिछड़े और कांग्रेस भी इसमें शामिल हो, और ये असली अलायंस ये है जो सोशल अलायंस ये होगा। बाकी इंडिया अलायंस तो जो अभी बना है वो तो थोड़ा सा रियल पॉलिटिक के कॉन्टेक्स्ट में है, जी देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे उभरता है। मेनु जी, मैं आपकी दो बातों को आगे बढ़ाऊंगा, और योगेंद्र जी सवाल आपसे होगा। आपने बात की बरगद की, बरगद के नीचे एक बड़ा देसी कहावत है कि बरगद के नीचे कुछ नहीं उगता, ठीक है। और दूसरा कहावत यह है कि अंडा बांटे रेवड़ी बार बार अपने को दे। जब आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को देखें, चाहे मंडल के पहले या मंडल के बाद, आज भी सत्ता जो है ऊपरी जातियों के पास। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा बढ़े, लेकिन अगर आप बस वास्तविक रूप में देखें, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, हर तरफ सत्ता और उनके जो काडर हैं उनमें भी सत्ता ऊपरी जातियों के पास है। और किस प्रकार से, क्या जैसे आपने जो वेणु जी ने बात करी कि ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं ना कहीं एक फिर से इसका आगे दिखा के पीछे कोई और सत्ता को फिर से हथिया ले, या इसको इस्तेमाल करे एक दूसरे के जो निचले तबके के जातियां हैं उनमें आपस में मतभेद कराने के लिए। क्या राय होगी आपके इसके बारे में? शेखर भाई बिल्कुल सही कहा आपने। आज अगर कांग्रेस इस सवाल को उठाती है तो केवल 1989-90 का मुहावरा दोहराने से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल उस समय सर, की बात कहने से भी काम नहीं चलेगा, उस समय की नीतियों को दोहराने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो सब हो चुकी हैं, वो खर्च हो चुकी हैं और वो एक डेड एंड पे पहुंच चुकी है। अगर आज कांग्रेस कुछ करना चाहती है तो कई चीजें होनी होंगी। नंबर एक, जैसा वेणु जी ने याद दिलाया, कांग्रेस इसको अकेला नहीं कर सकती। बहुत समय बाद अब कांग्रेस की एक जो सामाजिक न्याय की राजनीति की जो पार्टियां हैं, चाहे आरजेडी हो, चाहे सपा हो, चाहे डीएमके हो, इन पार्टियों से एक कोलिशन बन रहा है, और इस कोलिशन को पॉलिटिकल कोलिशन और सोशल कोलिशन दोनों को बना के रखना होगा, ये पहली चैलेंज। दूसरी चैलेंज ये है कि इसमें आपको सामाजिक न्याय की नीति और राजनीति दोनों में सामंजस्य बना के रखना, नीति जो उसके पॉलिसीज आप फ्रेम करेंगे, क्योंकि कई चीजें हैं जिसको बिल्कुल स्क्वायरली, बिल्कुल सीधे सीधे फेस करना पड़ेगा, उसमें अब ना नुक्कड़ इधर उधर देखने से काम नहीं चलेगा। ये 25 साल पहले चल सकता था, 35 साल पहले चल सकता था, आज नहीं चल सकता। पहला सवाल वही जो वेणु जी ने भी कहा और जो आपने भी कहा कि ओबीसी के भीतर काफी डिफरेंसेस हैं, दलित समाज में फिर भी आप कह सकते हैं सब कोई शोषण का शिकार है, लगभग बराबर तो नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं चलिए उनमें इंटरनल डिफरेंसेस हैं लेकिन कम। लेकिन जिसे ओबीसी कहा जाता है उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है, उसमें कुछ जातियां ऐसी हैं जिनके पास जमीन भी है, ताकत भी है, राजनीतिक ताकत भी है और आर्थिक रूप से भी संपन्न है, और दूसरी जातियां ऐसी हैं जो कि जिनकी स्थिति दलित समाज से भी बदतर है, खासतौर पे सर्विस और आर्टिजनल कम्युनिटीज जो हैं। इसलिए ओबीसी के इंटरनल डिफरेंसिएशन का, यानी कि कोटा विद इन कोटा के सवाल का अब सामना करना पड़ेगा, और मैं नहीं समझता कि आज की तारीख में कोई पार्टी मंडल की पॉलिटिक्स को शुरू कर सकती है बिना कोटा विद इन कोटा की बात को स्वीकार किए। ओबीसी और एमबीसी का दो आपको डिफ्रेंसिएशन केवल राज्य स्तर पे नहीं, बिहार में तो 30 साल से चल रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर ने शुरुआत की थी, लेकिन आज आपको पूरे देश के स्तर पे इस बात को स्वीकार करना होगा। दूसरा, आज आरक्षण केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित, सामाजिक न्याय केवल सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं रह सकता, नौकरियां कम हैं, घट रही हैं, वो है सबसे बड़ा जो हैपनिंग सेक्टर है जहां आर्थिक विकास हो रहा है, चीजें बन रही हैं, बदल रही हैं, वो प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में सामाजिक न्याय की नीतियां कैसे लाई जाए इसके बारे में ध्यान से सोचना होगा। केवल आरक्षण मत सोचिए, आरक्षण के अलावा तमाम औजार हो सकते हैं, सावधानी से सोचना होगा उसके बारे में।
तीसरा, सामाजिक न्याय की की नीति को इंप्लीमेंट करने की जो पुरानी एजेंसीज है, शेड्यूल कास्ट कमीशन, शेड्यूल ट्राइब कमीशन, एनसीपीसी, ये सब बहुत अच्छे औजार नहीं, इन्हें इनकी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऐसी है कि बहुत कुछ कर नहीं पाते। इसलिए इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन जैसी किसी एक नए संस्थागत ढांचे के बारे में सोचना, तो ये सब नीतियां हैं जिनके बारे में सोचना होगा। और राजनीति में एक सवाल जो आपने खुद कहा है भाई, वो ये कि ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफ तो बात करें कि भाई सामाजिक न्याय हो, SC ST OBC, और आपका सारा नेतृत्व अगड़ों का हो, ये तो चलेगा नहीं, ज्यादा देर तो चल नहीं सकते। तो जाहिर है इसके बारे में सवाल उठेंगे, इस पे आपको ठीक करना ही होगा। कांग्रेस अगर करना चाहती है, और कोई भी पार्टी करना चाहती है, समाजवादी पार्टी करना चाहती है, तो उसे यादव मुसलमान से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ अतीत बिल्कुल जगह देनी पड़ेगी। RJD इस मायने में थोड़ा सा बेहतर है समाजवादी पार्टी की तुलना में। और कांग्रेस अगर करना चाहती है, तो कांग्रेस को देखना होगा कि भाई हमारा नेता किन वर्गों की बात कर रहा है और हमारा नेतृत्व किस वर्ग से आ रहा है। इन दोनों को तो सामंजस्य बैठाना ही होगा। और साथ में जो वेणु जी ने बात कही, अन्य सामाजिक न्याय की राजनीतिक दलों से एक अच्छा सामंजस्य, छोटी छोटी खींचतान नहीं जो कि हर रोज हुआ करती है, और साथ ही साथ सामाजिक न्याय की राजनीति को पुख्ता करने के लिए अब केवल OBC के सवाल को बतौर OBC नहीं उठाया जा सकता, उसे OBC के सवाल को दलित आदिवासी के साथ जोड़कर उठाना होगा। और साथ में एक वर्ग जिसका हम बातचीत में भूल जाते हैं, टेक्निकली इसमें शामिल है लेकिन उसका जिक्र हमेशा अलग से होना चाहिए, वो है मुसलमान में पसमांदा। तो OBC के सवाल को अब पसमांदा, दलित और आदिवासी के साथ उठाना होगा। ये यदि हम करेंगे तो ये राजनीति आगे बढ़ सकती है, ये राजनीति पुख्ता हो सकती है। तो सामाजिक न्याय की नीति और राजनीति दोनों को दुरुस्त करने की जरूरत है। एक मैं वार्निंग दूंगा इसके बारे में, VP सिंह का चूंकि जिक्र आया, सामाजिक न्याय की राजनीति की पुरानी ट्रेजेडी ये रही, ट्रेजेडी और खतरा उसमें ये है कि आप ना सामाजिक न्याय का सवाल उठाइए, जिन्हें उस राजनीति से, जिन्हें उस नीति से फायदा होना है, उन्हें उसके बारे में पता नहीं लगता, उन्हें 10 साल लग जाते हैं पता होते होते, लेकिन जिन्हें नुकसान होना है उन्हें 10 दिन में पता लग जाता है, और वो सब संगठित हो जाते हैं, जिसे फायदा होना है वो 10 साल बाद जाके संगठित होते हैं। ये VP सिंह की ट्रेजिडी, और ये किसी भी पार्टी के साथ हो सकती है जो कि सामाजिक न्याय के सवाल को पुरजोर तरीके से उठाएगी। यानी कि अगर आप केवल इस सवाल को उठाएं और इसे बिल्कुल नीचे तक ले जाने के, कम्युनिकेट करने की व्यवस्था न करें, तो सामाजिक न्याय के दुश्मन आपके खिलाफ संगठित हो जाएंगे, और सामाजिक न्याय से जो समर्थन मिलना चाहिए वो आपको वक्त पे नहीं मिलेगा। इसके बारे में सावधानी बरतने की जरूरत है। मैं आपने बहुत अच्छा जिक्र किया अपने दुश्मनों का, और मैं उन्हीं की बात बस करना चाहता हूँ, और शायद से उनके कुछ जो आरोप हैं आपके ऊपर, मतलब इस विचारधारा पे, इस नीति पे, मैं उन वो सवाल आप तक रखना चाहता हूँ। और उन्होंने दो सवाल हैं जो मुख्य हैं। एक, आपके जो जो इस जो नीति के शत्रु हैं या इसके खिलाफत में बोलते हैं, पहली बात वो कहते हैं योग्यता की। वो कहते हैं कि क्या इतने सारे लोग योग्य भी हैं डॉक्टर बनने के लिए, सरकार में आने के लिए? ये मेरा सवाल नहीं, ये आपके अपोनेंट्स का सवाल है। और दूसरा जो सवाल बन के आता है कि दूध और मक्खन, कि जो लोग, चाहे चाहे नीति इसके लिए नहीं बनाई गई थी, लेकिन अगर आप इसका परिपेक्ष देखें पिछले 30 साल के अंदर अंदर, तो ऐसा लगता है, और ये कुछ पार्टियों का मेन मेन उनका अटैक भी यही रहा है कि यादव बहुत ज्यादा फोरफ्रंट में आ चुके हैं मंडल पॉलिटिक्स के, और जितना भी फायदा उठाया, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो लालू यादव हो, हर तरफ यादव फेस बन के बाहर आए हैं। अब मजे की बात यह है कि जो मंडल साहब थे वो भी यादव कम्युनिटी से आते थे। तो एक तरफ जो आपके खिलाफ में जो बोलते हैं वो कहते हैं कि ये तो देखिए यादवों की मिलीभगत है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि मक्खन और दूध में क्या फर्क है, और उसको कैसे और खत्म किया जा सके? मुझे उम्मीद है आप मुझसे ये यादव समाज के प्रतिनिधि के बतौर ये सवाल बिल्कुल भी नहीं, ये एक राजनीतिक विशेषज्ञ की तरह सवाल है, ये एक नहीं राजनीतिक विशेषज्ञ की तरह सवाल पूछूंगा है। यू हैव आप मैं यादव राजनीतिक है कार्यकर्ता इसलिए भी हूँ यादव मैं। नहीं है। जी, देखिए सिद्धांत की बात, इसमें कोई शक नहीं है कि सामाजिक न्याय की राजनीति को, जैसे मैंने कहा, अपर OBC और लोअर OBC, इसके अंदर अंतर है, इसे स्वीकार करना चाहिए, और 27% के कोटा को यदि दो हिस्सों में बांटना हो तो बांटना चाहिए। क्योंकि सच ये है कि सामाजिक न्याय की नीतियों का फायदा सभी जातियों को समान रूप से नहीं मिला,
और इस पर निगाह रखनी चाहिए। और अगर जरूरत पड़े तो जैसा कि इंदिरा सानी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कोई जातियां यदि इस आरक्षण का फायदा उठा के ऐसी स्थिति में आ जाती हैं कि सामान्य के बराबर हैं, सामान्य से भी बेहतर हो सकती हैं, तो उन्हें उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो ये चाहे जातियों के स्तर पे हो, चाहे जाति कैटेगरी ओबीसी एमबीसी के स्तर पे हो, या परिवार के स्तर पे हो, क्रीमी लेयर, ऐसे में हमेशा सुनिश्चित करना चाहिए कि सामाजिक न्याय की नीतियों का फायदा केवल उन्हें मिले जो डिजर्विंग हो। रही बात यादवों की या किसी और भी कम्युनिटी का, हम नाम ले सकते थे कुर्मी इत्यादि, ये बात आंकड़ों पर आधारित होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि जातिगत जनगणना बेहद जरूरी है, और मैं तो अपने जाति जातिगत आरक्षण के आलोचकों से हाथ जोड़ के कहता हूं, अगर आप सच्चे आलोचक हैं तो आपको तो जातिगत जनगणना का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको आंकड़े मिलेंगे इसका विरोध करने के लिए। जैसे अब बिहार में जातिगत जनगणना हुई है, उससे हमें क्या पता लगा? हमें पता लगा कि जनरल कैटेगरी में दो मुस्लिम जातियां ऐसी हैं जिन्हें जनरल में नहीं होना चाहिए था। जो सैयद हैं उन्हें तो होना चाहिए था, क्योंकि उनकी शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति लगभग कुर्मी लगभग ब्राह्मण और राजपूत के बराबर है, बराबर जी लेकिन शेख और पठान खामखा फंस गए हैं उसके अंदर, उनकी स्थिति बिल्कुल ओबीसी के बराबर है। और उधर एक ओबीसी कम्युनिटी है जिसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता, मलिक, मुस्लिम मलिक, उनकी एजुकेशनल और इकोनॉमिक प्रोफाइल जनरल कास्ट के बराबर। इसलिए आपको चाहिए इस तरह के सर्वेक्षण, क्योंकि वो आपको बताते हैं। रही बात यादवों की, मेरा अपना अनुमान यही था जो आप कह रहे हैं कि यादवों का बहुत वर्चस्व हो गया है बिहार में। ये बात राजनीति के आधार पे बिल्कुल सही है, क्योंकि एमएलए की संख्या बिहार में यादवों की जितनी अनुपात अपनी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए उससे थोड़ी सी ज्यादा है, उतनी ज्यादा नहीं जितनी राजपूतों की है, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन जब उनकी शैक्षणिक और आर्थिक प्रोफाइल मैंने सर्वेक्षण में चेक की तो दरअसल बहुत दयनीय है। यादव समाज की आर्थिक, अब तो बिल्कुल सारे आंकड़े आ गए हैं ना, तो अब आप जी देखिए बिहार का यादव और मैनपुरी इटावा का यादव, इनकी तुलना मत कीजिए, या हमारे रेवाड़ी गुड़गांव का यादव, इनकी तुलना नहीं की जा सकती। बिहार के यादव का मैं आपको मोटी स्थिति बताऊं, स्थिति यह है कि जहां अगर आप हाई डिग्रीज के बारे में देखें, एमए एमएससी एलएलबी डॉक्टर इंजीनियर, ये जो डिग्री जिससे नौकरी मिलती है, वो आपको कायस्थ में मिलेंगे 11.5%। वो आपको ब्राह्मण और ब्राह्मण भूमिहार में मिलेंगे अंदाजन 5.5%, और वो आपको यादव में मिलेंगे 0.8%, 1% भी नहीं है। ये आंकड़े दिखा, आर्थिक स्थिति के हिसाब से देखें तो यादवों की आर्थिक स्थिति बिहार में इस वक्त कुर्मी कोयरी से बहुत बदतर है, ये आंकड़े दिखा रहे हैं। तो उनका जो राजनीति में वर्चस्व दिखाई देता है और उनकी जो शैक्षणिक आर्थिक स्थिति है, उसमें बहुत अंतर है। और उसका अंतर का एक वजह ये भी है कि जिसे यादव आज बिहार में कहा जाता है, उनमें दरअसल दो तीन अलग अलग उपजातियां, वो जिनकी स्थिति लगभग गडरियों जैसी है, और उधर मधेपुरा के यादव जो कि जमीन के मालिक भी हैं और ज्यादा संपन्न भी हैं। तो इसलिए इनका विश्लेषण करना चाहिए, और यही एक इसी कारण से हम ये सवाल करते हैं। आपने एक और सवाल पूछा था, माफ कीजिए इसका लंबा उत्तर हो गया, दूसरे का उत्तर मैं छोटे से दे देता हूँ। आपने सवाल पूछा था योग्यता का, तो भाई योग्यता का क्या होगा? बहुत बड़ा सवाल है और बहुत सुंदर सवाल है, क्योंकि योग्यता का तो ध्यान रखना ही चाहिए। पहली बात याद रखिए, जो भी एससी एसटी ओबीसी कोटा में आता है, केवल एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट दे के एडमिशन नहीं ले लेता, उसको भी एग्जाम में योग्यता दिखानी होती है। ये सब योग्यता से आ रहे हैं, अपनी उस कैटेगरी के भीतर की योग्यता। मजे की बात, आपने देखी इंद्रशेखर भाई, जब से ईडब्ल्यूएस का प्रोविजन आया है किसी ने योग्यता का सवाल नहीं उठाया है ना? पता, जी ईडब्ल्यूएस के बारे में हमारे जबान पे ताला लग जाता है कि हाँ, गरीब लोग आए, अच्छी बात है आना, मतलब हमारा हृदय उसके बारे में जाग उठता है, हमें लगता है अरे ये तो अपने लोग हैं, बेचारे हैं, चलो इनको तो कुछ मिलना चाहिए।
तो कहीं ये चक्कर तो नहीं कि अपनों के बारे में कोई दिक्कत नहीं, परायों के बारे में दिक्कत होती है? ये मेरे को हमेशा लगता है, जो लोग यूक्रेन, रूस और पता नहीं कहाँ कहाँ से एमबीबीएस की डिग्री लेके आते हैं, अच्छी बात है लेके आते हैं, लेकिन उनके बारे में योग्यता का सवाल कभी नहीं उठता। ये जो कैपिटेशन फीस इस देश में बिल्कुल खुल्लम खुल्ला चल रही है, आज भी चल रही है, कैपिटेशन फीस दे के जो डॉक्टर बनते हैं उनके बारे में कभी मैंने किसी से कहते हुए नहीं सुना, हाय मैं इस डॉक्टर से इलाज कैसे करवा लूं। और अंतिम योग्यता की सबसे बड़ी बात, आप ही सोचिए, अगर हम देश में तय कर लें कि सारे ओलंपिक के खिलाड़ी केवल एक जाति से आएंगे, तो क्या ये देश ज्यादा ओलंपिक के मेडल जीतेगा, ज्यादा योग्य? या सारी क्रिकेट टीम केवल महाराष्ट्र की एक जाति से आएगी, तो क्या वो देश ज्यादा अच्छी क्रिकेट टीम पैदा करेगा? या कि वो देश जो कि कहेगा कि पूरे समाज से हम सबसे योग्य लोगों को लेंगे? मैं समझता हूं कि सामाजिक न्याय और आरक्षण की स्थिति, जो जो नीतियां हैं, ये हमारे देश की योग्यता का पैमाना बढ़ाने वाली नीतियां हैं। चूंकि जो व्यक्ति, और अंतिम बात दार्शनिक है, लेकिन कह दूं, योग्यता किस चीज को कहा जाता है? योग्यता वो नहीं है जाकि आपके इम्तिहान में कितने नंबर आए, या आप किसी दौड़ में फिनिशिंग पॉइंट पे कौन आगे या पीछे है, ये योग्यता नहीं। योग्यता ये है कि आपने दौड़ शुरू कहां से की थी और खत्म कहां पे की, उसका जो फासला है वो आपकी योग्यता है। अगर मेरे पिताजी कंधे पे लाके बैठा के मुझे रेस के फिनिशिंग पॉइंट से 10 मीटर पहले आके उतार देते हैं, फिर मैं दौड़ता हूं, तो मेरी योग्यता केवल वो 10 मीटर है, मैं तो 100 मीटर की दौड़ दौड़ा ही नहीं। ये देश यही है, इस देश में कुछ लोग 10 मीटर की दौड़ जोड़ के गोल्ड मेडल लेते हैं, कुछ लोग 100 मीटर की दौड़ लेके ब्रॉन्ज मेडल लेते हैं, और कुछ लोग बेचारे 500 मीटर की दौड़ दौड़ रहे होते हैं, जिनको कहा जाता है हाय ये तो अयोग्य लोग हैं। मैं समझता हूं जो 500 मीटर की दौड़ दौड़ के और फिनिशिंग लाइन से 40 मीटर पीछे रह जाता है, वो शायद सबसे ज्यादा योग्य व्यक्ति है। योगिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने भ्रांतियां दूर करने के लिए। वीपी सिंह ने भी यही यही उदाहरण लिया था जो आपने अभी लिया, कि कुछ लोग रेस जो है फिनिश लाइन से 10 मीटर दूर से लड़ते हैं और उसके बाद में जीतने के बाद कहते हैं कि हम कितने योग्य हैं। तो ये भ्रांति दूर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं वेणु साहब के पास आना चाहता हूँ। आपके अंदर क्या प्रक्रिया चलती है जब आप योगेंद्र यादव जी को ये बातें सुन रहे हैं, और क्या कोई और विशेष इसमें मुद्दा है जो आपको लगता है कि जिसके बारे में हमें और ध्यान में रखना चाहिए देश का भविष्य देखते हुए? एक तो मैं योगेंद्र यादव जी ने जो योग्यता की बात जो कही है उसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, वो ये कि ये जो योग्यता का जो जो डिस्कशन है, ये मेरे हिसाब से ये हिंदी जो बेल्ट है उसमें ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि जो साउथ में आप देखिएगा, जहाँ पे 40-50 साल पहले से ही सोशल रिफॉर्म्स हुई हैं और यू नो और सोशल डेवलपमेंट हुआ है अक्रॉस द बोर्ड हर तबके का, वहां पे जो 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 हम बैकवर्ड बोलते हैं वो तो बिना किसी रिजर्वेशन के और वो नेचुरल जो प्रोसेस के जरिए तो वहां पे सारे जो एग्जाम्स क्लियर करते हैं। एक बार तो मैं इंफोसिस के एक इंजीनियरिंग जो उनका एक उस फैसिलिटी है जो वहां पे जो इंजीनियर पढ़ के आते हैं जिनको इंफोसिस के लिए तैयार किया जाता है, वहां पे मैंने देखा कि ज्यादातर लोग वहाँ काफी जो साउथ के जो कर्नाटक से या आंध्रा से सब बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग थे, और चाहे आप आंध्रा ले लीजिए, केरल लीजिए, कर्नाटका ले लीजिए, तमिलनाडु, तो वहां पे ये जो योग्यता वाला इशू वहां पे मेरे हिसाब से इतना नहीं है। आई मीन यू कैन योगेंद्र यू कैन करेक्ट मी ऑन दैट। तो वहां पे ऑलमोस्ट लेवल प्लेइंग पे चल रहा है ऑलरेडी, और ये क्योंकि ये नॉर्थ का ज्यादा इशू है, और ये मैं मानता हूं कि जो ये सारी जो इश्यूज जो है, जो जो कॉन्टेस्टेशन और जो इंटेंसिटी ऑफ कॉन्टेस्टेशन और जिस तरह का जो एग्रेसिव कास्ट पॉलिटिक्स जिसे लोग कहते हैं, वो जो नॉर्थ के संदर्भ में ये इसकी बात करते हैं, और मोदी जी भी जब बोलते हैं कि भाई मैं ये एक सवाल मेरे मन में है कि बीजेपी का जो रिस्पॉन्स है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीजेपी एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी है आज। अभी हाल ही में सुशील मोदी ने कहा कि भाई 1990 में बीजेपी कुछ कुछ थी और अब कुछ और है। अब तो मोदी जी खुद ही बैकवर्ड ओबीसी के लीडर हैं और उन्होंने बहुत ओबीसी के लिए काम किया है, तो उन पे कोई इतना मतलब कोई इस चीज का कोई प्रेशर नहीं है कि जो जो चल रहा है जो कास्ट सर्वे वगैरह, वो तो कर ही रहे हैं सब कुछ। तो इस पे
बीजेपी इसको किस तरह अपने कॉन्ट्रडिक्शंस को रिजॉल्व करेगी, ये मैं योगेन जी से भी पूछना चाहूंगा। मुझे लगता है कि असली डिलेमा आज की तारीख में उनके लिए है, और मोदी हिमसेल्फ, उनकी भी अपनी डुअल आइडेंटिटी है। एक वो एक बैकवर्ड ओबीसी लीडर के तौर पे भी उनका उनकी मैसेजिंग 24 घंटे 24/7 चलती रहती है, और दूसरी तरफ से हिंदुत्व जो उनका जो आइडियोलॉजिकल जो वो है उसकी भी मैसेजिंग चलती रहती है। तो ये और अभी तक ये माना जा रहा है कि मोदी जी अपने अपील के जरिए मंडल और कमंडल को के जो बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन को उन्होंने रिजॉल्व कर लिया और संभाल लिया है, मगर वो संभलेगा कब तक संभलेगा, ये मैं एक्चुअली मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल है, ये एक राजनीतिक तौर पे भी और नीति के तौर पे भी, जैसे योगेन जी ने बोला। तो इस पे मैं आई थिंक आई रादर हैव योगेन यादव गिव हिज रिस्पॉन्स ऑन दिस कि योगेन जी, बीजेपी कैसे डील कर। इससे पहले आप शुरू करें, दक्षिण भारत की बात की है एम के वेणु जी ने, कि किस प्रकार से वहां पे शिक्षा द्वारा पिछड़ी जाति के लोग भी आगे बढ़ रहे हैं समाज में, अपने आप को और योग्य बना रहे हैं। और उसी के साथ वेणु जी ने जो बात दर्शाई है कि किस प्रकार से मोदी जी, जो अपने आप को ओबीसी भी कहते हैं और साथ साथ में अपने आप को अब तो आजकल लगता है मार्क्सिस्ट ही हो गए हैं, लेकिन किस प्रकार से उस चीजों को जोड़ रहे हैं, और उसके बाद में बीजेपी के दिखावे में कुछ और अंदरूनी प्रक्रियाएं कुछ और चल रही हैं। तो यही सवाल है योगेंद्र यादव जी से कि किस प्रकार से आप इसमें टिप्पणी करते हैं, दक्षिण भारत को देखते हैं, उत्तरी भारत की योग्यता का जो बड़ा सवाल था, जो भ्रांति थी वो आपने अभी भी बताई, और कैसे देखते हैं आप इस सवाल को जो वेणु जी ने पूछा अभी भी। देखिए, जहां तक बीजेपी के रेस्पॉन्स का, बीजेपी की स्थिति तो वो में कहते हैं ना, उठते बने ना हो ना निगलते बने। अब जब से जाति जनगणना का सवाल आया है, प्रधानमंत्री विचलित हैं, त्रस्त हैं। ये कह नहीं सकते कि मैं इसका समर्थन करता हूं, क्योंकि तब तो राहुल गांधी के पीछे खड़े हो गए लाइन में। ये कह नहीं सकते कि मैं विरोध करता हूं, क्योंकि इसको तो वहां स्थानीय बीजेपी, बिहार की बीजेपी तो इसके लिए क्रेडिट ले रही है कि हमने करवाया है। और तो प्रधानमंत्री ने जो लेटेस्ट जो दांव खेला है वो ये है कि इस देश में मेरे को तो सिर्फ गरीब और अमीर दिखाई देते हैं और कुछ नहीं। और आपने बिल्कुल ठीक तंज कसा कि ये तो लगता है प्रधानमंत्री किसी कम्युनिस्ट पार्टी की पाठशाला से सीधे निकल के आ रहे हैं, क्योंकि ये कम्युनिस्ट कहा करते थे कि इस देश में कोई जातियां नहीं है, इस देश में तो केवल वर्ग हुआ करते हैं। बाद में कम्युनिस्टों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग काफी दुरुस्त कर ली, वर्ग है, गरीब अमीर का फासला है और साफ है, लेकिन उसमें बहुत इस देश में बारीकियां हैं, पेंच हैं। तो ये प्रधानमंत्री का ये कहना, जाहिर है इसका मार्क्सवाद से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री जो उनकी अगड़ों की कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको प्रसन्न कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि बीजेपी का ले देकर, देखिए सबसे बड़ा, इस देश में वोट बैंक की चर्चा बहुत होती है, और पता नहीं क्यों इस देश के लोग नोटिस नहीं करते हैं कि इस देश का सबसे बड़ा, सबसे वफादार वोट बैंक है बीजेपी का, और उसका नाम है हिंदू अगड़ा तबका। हिंदू अगड़ी जातियां बीजेपी की सबसे वफादार वोट बैंक है। तो प्रधानमंत्री उस वोट बैंक को तो नाराज कर नहीं सकते, इसलिए वो करेंगे जिसके जिसमें वो माहिर है। दो मुहि बातें करने में प्रधानमंत्री माहिर, एक तरफ एक बात बोलेंगे, दूसरी तरफ दूसरी बात बोलेंगे। मगर बीजेपी खुलकर जाति जनगणना के सवाल पर कोई स्टैंड नहीं लेना चाहती, और इसीलिए उन्होंने जनगणना होने ही नहीं दी। आखिर पहले 2021 में कोविड के चलते नहीं हुई, लेकिन 22 में क्यों नहीं हुई, 23 में क्यों नहीं हुई, उसका कारण यही है कि बीजेपी इस सवाल का सामना नहीं करना चाहती। तो बीजेपी की कोशिश होगी कि इस सवाल को जब तक सवाल से पिंड छुड़ाया जा सके, या ऐसे बड़े बड़े खूबसूरत जुमले दे के बयान छुड़ाया जा सके, मेरे को तो गरीब अमीर दिखाई देते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता इत्यादि, लेकिन ऑपोजिशन को इस सवाल को ठीक तरीके से सामने रखना होगा, ताकि बीजेपी को इस पर एक स्टैंड लेना पड़े। बीजेपी नहीं चाहेगी कि उसे स्टैंड लेना पड़े, बीजेपी को स्टैंड लेना पड़े, ऑपोजिशन की सफलता होगी। वेणु जी ने बहुत बड़ी और सुंदर बात की तरफ ध्यान दिलाया, और मैं पिछले एक वर्ष से एक बात बार बार दोहरा रहा हूं, एक फ्रेज जो कि मैंने गणेश देवी जी से उधार लिया है, वो है दक्षिणायन। इस देश को दक्षिणायन की जरूरत है। इस देश में बहुत समय से हम सब उत्तर भारत वाले अपने आप को इस देश का लैंडलॉर्ड समझते हैं, बाकी सबको किराएदार समझते हैं, और बाकी सबको सबक सिखाते हैं कि देखो देश की एकता के लिए ये करो वो करो, जैसे एक मकान मालिक अपने किराएदार को बोला करता है।
अब समय आ गया है कि थोड़ा सा हम भी दक्षिण की तरफ झुक के देखें और दक्षिण की कुछ चीजें इस देश में आए। सामाजिक न्याय पे बहुत कुछ सीखने को है हमें दक्षिण भारत से। पहला, क्योंकि दक्षिण भारत में सामाजिक न्याय की नीतियों से पहले भी सामाजिक न्याय के आंदोलन चले, चाहे वो धार्मिक आंदोलन थे केरला में, चाहे वो सामाजिक आंदोलन थे द्रविड़ आंदोलन और ये सब चले। दूसरा, दक्षिण भारत में उन्होंने कभी भी ओबीसी और एमबीसी के अंतर को बहुत बड़ी खाई नहीं बनने दिया। कर्नाटक कुछ हद तक है ओकलिगा और लिंगायत, लेकिन आप याद रखिए जो हमारे तमिलनाडु के करुणानिधि हैं और किस जाति से आते हैं, उसको तो मतलब एमबीसी का भी लोअर एमबीसी माना जाएगा। दक्षिण भारत में एमबीसी ओबीसी की राजनीति को एक साथ किया। तीसरा, दक्षिण भारत ने जो मीन सोशल जस्टिस की जो नीतियां हैं वो उत्तर भारत की तुलना में कहीं ज्यादा बारीक, कहीं ज्यादा नुआंस्ड रही है। हनुवार कमीशन जो कर्नाटका का था वो पूरे देश के लिए मॉडल, और ये ओबीसी को 5-6 अलग अलग टुकड़ों में बांट के उनको आरक्षण देना, ये दक्षिण भारत में हमेशा हुआ है। इसमें कोई नई बात नहीं, जो कि उत्तर भारत वाले आज कह रहे हैं रोहिणी कमीशन लाएंगे। अरे दक्षिण भारत में 50-60 साल से चल रहा है सब कुछ तो। और दक्षिण भारत में दक्षिण भारत की जो ओबीसी पॉलिटिक्स है वो भी ज्यादा प्रोग्रेसिव रही है, क्योंकि उसने दक्षिण भारत की ओबीसी पॉलिटिक्स ने, मैं बार बार कहता हूं, उत्तर भारत में ओबीसी ने आके केवल राज किया, कुर्सी संभाली, लाल बत्ती लगा ली और कुछ नहीं किया। दक्षिण भारत की ओबीसी ने सत्ता में आने के बाद शिक्षण संस्थान खोले और नौकरियों के लिए अलग तरह के प्रयास किए और पूरे समाज को आगे बढ़ाया। उस लिहाज से दक्षिण भारत की जो ओबीसी थी वो पूरे वो एक तरह से एक पूरे समाज को, देश को आगे बढ़ाने वाला एक वर्ग बन, और समाज का सबसे प्रगतिशील तबका वही होता है जो अपने साथ पूरे समाज को खींच के लेके चलता है। तो तमिलनाडु की जितनी वेलफेयर स्कीम्स हैं ये ओबीसी पॉलिटिक्स की प्रोडक्ट है। मिड डे मील इस देश को ओबीसी पॉलिटिक्स ने दिया है। तो इस लिहाज से दक्षिण भारत से बहुत कुछ सीखने को है, और दक्षिण भारत और दक्षिण भारत में इस तमाम चीजों के बावजूद आज भी हिंदू मुसलमान का जहर उस तरह से नहीं हुआ है, कर्नाटका के कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो, और केरला की एक टिप को छोड़ दें तो, उस तरह का जहर वहां नहीं फैला है। तो सामाजिक न्याय के मामले में तो सब उत्तर भारत वालों को सर झुका के दक्षिण भारत से सीखना चाहिए, और अगर उस बातों से सीख के दक्षिणायन होगा इस देश में तो सामाजिक न्याय भी आगे बढ़ेगा और इस देश की एकता भी कुछ आगे बढ़ेगी। यहाँ पे एक और योगेंद्र बात मैं कहना चाहता हूँ योगेंद्र जी, कि आप ये बात तो आपने सही कही कि दक्षिण भारत में जो सामाजिक न्याय पे बेस्ड, उस फाउंडेशन पे बेस्ड राजनीति भी हुई और नीति भी वहां पे पिछले 60-70 साल से ही चला आ रहा है। इसी वजह से शायद वहां के जो जो बैकवर्ड कास्ट कम्युनिटीज हैं, जो 50-55-60% तक है कई जगह तेलंगाना वगैरह में, उनका हिंदुत्व की तरफ कभी रेडिकलाइज नहीं हुए। मुझे फर्क ये दिख रहा है कि दक्षिण और उत्तर भारत में ये फर्क है कि उत्तर भारत में भाजपा ने राम टेम्पल मूवमेंट के चलते ही कई ओबीसी को हिंदुत्व की तरफ रेडिकलाइज किया है और बड़े ओबीसी को इन्वॉल्व किया मूवमेंट में, उनसे शिलान्यास करवाया, सब कुछ सारी चीजें करवाई है। ये इसको काउंटर करना बहुत मेरे हिसाब से अहम है। अगर अगर जो दक्षिण भारत में 50-60 साल में हुई वो अगर यूपी और नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में अगले 10 साल में अटेम्प्ट करना है, 15 साल में, तो इसको काउंटर करना बहुत जरूरी है। वो कैसे होगा वो पता नहीं, शायद नीतियों, शायद यही मूवमेंट से हो सकता है, मगर ये भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एक बड़ी चिंता की बात रहेगी। जो जिन्होंने हिंदुत्व की तरफ रेडिकलाइज किया है वो वापस अगर इस तरफ आने शुरू हो जाए तो बीजेपी के लिए दिक्कत है मेरे हिसाब से। जी। योगेंद्र जी, क्योंकि समय का अभाव है हमारे पास, तो मैं आपसे दो सवाल पूछूंगा और उसके बाद फिर ये शो खत्म करेंगे हम लोग। देखिए, भारत में जो लोग वंचित हैं वो दो प्रकार से वंचित हैं, एक वर्ण की तरफ से और एक वर्ग की तरफ से। और जैसे जैसे भारत में एलपीजी आया है, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि वर्ग और ये कुछ लोग ऐसे हैं जो निचली जाति से लेकिन पैसे के दम पे वो समाज की ऊंचाइयां छू रहे हैं। तो भारत में जो दमन हुआ है वो दो प्रकार से हुआ है, वर्ण और वर्ग दोनों। तो जो क्लासिक थ्योरीज हैं बाहर की वो चलती नहीं है।
और इसी के साथ एक फॉलो अप क्वेश्चन है कि अगर हम लोग भारत में सब सारा जनगणना कर लें, सब हमें सब पता है कितनी जातियां हैं, अभी नहीं पता लोगों को, लेकिन उसके बाद पता चल जाए अगले 50 साल बाद, 40 साल बाद, 15 साल बाद, क्या भारत की सत्ता, ये जो जनगणना है, जैसे मानिए मैं उदाहरण के रूप में आपसे कहूंगा कि मान लीजिए अगर ठाकुरों का 5% पूरे पूरे देश में 5% ठाकुर है, ठीक है, तो क्या सिर्फ 5 ही% रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ठाकुरों को एजुकेशन में, सरकार में? और क्या फिर इस जनगणना को इस्तेमाल किया जा सकता है नए तरह का समाज में हेट पैदा करने के लिए, नफरत पैदा करने के लिए, या जाति के एक दूसरे की जातियों को लड़ाने के लिए? आप अभी से नहीं, 50 साल बाद से सोचें। ये दो सवाल हैं आपके लिए, और इसी से फिर शो खत्म करेंगे हम लोग। जी किसी भी समाज का आदर्श ये होना चाहिए कि जिस समाज में जो भी वर्ग, और अब मुझे आपका पहला प्रश्न जी याद आ वर्ल्ड गया, ओवर वन, मैं सॉरी वहां से वर्ल्ड शुरू ओवर कर वन, रहा हूं। जी। आपने कहा, मैं वहां से दोबारा शुरू कर देता हूं। आपने कहा हमारे समाज में दो तरह के हैं, वर्ण और वर्ग। मैं जी उसे चार मानता हूं, वर्ण है, वर्ग है, जेंडर महिला पुरुष का, और जी लोकैलिटी गांव शहर। इस में चार तरह के डिफरेंस की विषमताएं हैं, गैर बराबरी है, और चारों एक दूसरे को काटती है ना। और इसलिए एक सही सामाजिक न्याय की नीति वही होगी जो कि चारों को किसी ना किसी तरह से समाहित करे। अब चारों के लिए रिजर्वेशन करना जरूरी नहीं है, किसी को आप वर्ग के सवाल को दूसरे तरीके से एड्रेस करेंगे, जेंडर के सवाल को आप रिजर्वेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, जाति में आप रिजर्वेशन का औजार इस्तेमाल करेंगे, गांव शहर के लिए आप बजटरी एलोकेशंस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस देश में सामाजिक न्याय के लिए चारों चीजों के प्रति हमें सदैव सचेत रहना होगा। केवल और केवल जाति की बात करना भी एकांगी है। पहले, आज से 25 साल पहले, हमारे कई दोस्त केवल और केवल वर्ग कहते थे। मैं उन्हें कहता था, ना भैया जाति भी है। आजकल कईयों को कहना पड़ता है, ना भैया जाति के अलावा और कुछ भी है इस देश में। सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और आदर्श क्या होगा? इस देश का आदर्श ये होगा कि जो तबका समाज में जिस अनुपात में है, उसको उतने बराबर पहुंचने के अवसर मिले। जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली उसी प्रोपोर्शन में सब लोग रहें। कुछ लोग ज्यादा अपने अनुवांशिक कारणों से, पारिवारिक कारणों से, कुछ लोग ज्यादा हाथ का काम करेंगे, कुछ लोग ज्यादा लिखने पढ़ने का काम करेंगे। ये हमेशा रहेगा। कभी भी किसी भी समाज में ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि हर प्रत्येक प्रोफेशन में एग्जैक्टली उसी प्रोपोर्शन में हो जो कि समाज में है। ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर वो वहां जाना चाहते हैं तो उनके लिए अवसर बराबर होने चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत है वो अवसर समान नहीं। अवसर समान है, उसके बाद मैं शिक्षक नहीं बनना चाहता, मैं किसान बनना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात है। तो अवसरों की समानता हो, और किसी भी समाज में जो दो चार पांच प्रोफेशन या दो चार पांच स्लॉट्स होते हैं जिनको सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर होते हैं, जो सबसे ज्यादा विशेषाधिकार के होते हैं, जैसे आज हमारे समाज में इंजीनियर होना, डॉक्टर होना, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना, एक खास तरह का वकील होना, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होना, प्राइवेट सेक्टर का मैनेजर होना, ये हमारे समाज के सॉट आफ्टर प्रोफेशन। इनमें जो भी उस समाज का डिवीजन हो, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो रेस हो, चाहे वो वर्ग, उसकी बहुत ग्रॉस इनइक्वालिटी नहीं चाहिए। अगर आप ये दिखाई देता है कि इसके प्राइवेट सेक्टर के मैनेजर्स में जो अग्रणी जाति के हैं, जिनकी संख्या समाज में मुश्किल से पूरे भारत में, बिहार में केवल 11% है, लेकिन पूरे देश में देखिए शायद 17-18% के करीब निकले, अगर आपको वो 70-80% दिखाई देते हैं तो जाहिर है कुछ गड़बड़। इस तरह की विषमता समाप्त तो हो। ये नहीं होगा कि अगर वो 17-18 है तो हर चीज में 17-18 होंगे, ऐसी जरूरत नहीं है। लेकिन जो सबसे प्रेस्टीजियस चीजें हैं उसमें अगर 17-18 है तो आप 20-21 हो सकते हैं, 15-13 हो सकते हैं, लेकिन 17-18 के बाद आप 40-45 हैं तो कुछ गड़बड़ है। और आज हमारे समाज में ये गड़बड़ है। आप इसे मीडिया में देख लीजिए, जुडिशरी में देख लीजिए, आप वकीलों में देख लीजिए, आप प्राइवेट सेक्टर में देख लीजिए। समाज का जो वर्गा वर्ग या वर्ण, यानी कि अगड़ी जाति के हिंदू, जो कि जनसंख्या में 20% से कम है, मैं दावे से कहता हूं, वो
इन तमाम प्रेस्टिजियस प्रोफेशन में कम से कम 70-80% हैं। इस तरह की विषमता समाप्त हो, ये हमारा आदर्श होना चाहिए और हमें उम्मीद करनी चाहिए। कास्ट सेंसस के सहारे इसको मॉनिटर करते करते ऐसी स्थिति पर हम पहुंच सके जहां सबको बराबर अवसर मिले और उसी से सचमुच देश में मेरिट फ्लरिश करे। सच्ची मेरिट वही होगी जब सबको बराबर अवसर मिलेंगे। और देखिए तो फिर 140 करोड़ का देश दुनिया में क्या कुछ नहीं कर सकता अगर सबको अवसर मिलेंगे। जी योगेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो आप कुछ कहना चाह रहे हैं वेणु जी? नो, मैं कह रहा हूँ बेसिकली योगेन जी ये बोल रहे हैं कि इट शुड बी साइंटिफिक बट इट नीड नॉट बी एन एग्जैक्ट साइंस द वे जी, दिस सेम ट्रीटमेंट, आई थिंक ये बात कर रहे हैं कि सबको एक एक प्रकार का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सरकार दिस द अवसर मिलना चाहिए। स्पिरिट ऑफ इट शुड बी ऑब्जर्व। जी बिल्कुल, तो इसी के साथ ये चर्चा हम खत्म करते हैं। योगेन यादव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वेणु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों जन आए, आपने अपना समय दिया। और दर्शकों, अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी और आपके कुछ सवाल हो मंडल से लेके, कमंडल से लेके, और या भी जो भी आरक्षण को लेके कोई भी सवाल हो, तो भूलिएगा मत हमारे यूट्यूब चैनल पे अपना कॉमेंट लिखने के लिए या हमारे ट्विटर पेज पे ट्वीट करने के लिए। तो दोस्तों, ये कार्यक्रम तो खत्म हुआ, लेकिन द वायर आपके लिए और सारे कार्यक्रम जल्द ही ला रहा है। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सो इंस्ट्रक्टिव। थैंक ग्लैड यू ब्रॉट इन साउथ इंडिया बिकॉज आई थिंक यू। नॉर्थ इंडिया रियली नीड्स टू लर्न फ्रॉम द साउथ। बिल्कुल, आई वाज टोल्ड दैट इवन गांधी जी हैड अ फ्यू लर्निंग्स फ्रॉम नारायण गुरु व्हेन ही वेंट देयर। आई एम श्योर ही डिड। या बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू स्टीफन।